नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन, आपके साथ मैं हूं कनिका। गुरुग्राम के सेक्टर 43 में स्कूली बच्चों द्वारा एक राष्ट्रीय एक दिल कार्यक्रम के माध्यम से देश की एकता अखंडता का संदेश दिया और नृत्य और देशभक्ति के गीतों के माध्यम से बच्चों ने देश की ताकत को भी दर्शाया। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है, तो शहीदों की शहादत पर पूरे देश की आंखें नम है। इसी कड़ी में गुरुग्राम के सेक्टर 43 में एक कार्यक्रम के माध्यम से भारत की एकता को दिखाने की कोशिश की गई, जिसमें छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गानों और नृत्य के माध्यम से संदेश दिया कि विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां अलग अलग वातावरण के साथ अलग अलग भाषाओं को बोला जाता है, लेकिन इसके बाद भी देश के लोगों का दिल एक ही है, वो भी अपने देश की हिफाजत के लिए, जिसे पूरे विश्व को भी ये संदेश दिया जाता है कि भारत की एकता और अखंडता सबसे मजबूत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली बच्चों ने अपने परफॉर्मेंस के सामने लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया, और यही नहीं, इस मौके पर पहुंचे नगर निगम के कमिश्नर ने भी बच्चों की इस परफॉर्मेंस को काफी सराहा और लोगों से अपील की है कि एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए इस तरह के बच्चों को देश के बारे में जानकारी दे। ग्रेजुएशन जो हमने बता रहे हैं कर रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे कर रहे हैं, और ये प्रस्तुति के दौरान हम दिखाना चाहते हैं कि सारा नेशन एक है, हमें एकता के साथ रहना चाहिए, और यही छोटे छोटे बच्चे अपने छोटे से एक स्किट के थ्रू ही बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर अराउंड 200 बच्चों ने पार्ट भाग लिया हुआ है, और डांसेस भी हैं, स्किट्स भी हैं, म्यूजिकल ड्रामास हैं, एंड ब्यूटीफुल प्रेयर सॉन्ग्स भी हैं, जिससे पूरे पेरेंट्स को यू नो मोहित कर दिया हुआ है। हमारे पास यहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी में ग्रैंड प्रिंस एंड प्रिंसेस भी हर क्लास से दिया जा रहा है। करीब 500 पेरेंट्स आए हुए हैं, जिसमें से हम 100 अवार्ड्स दे रहे हैं बच्चों को, छात्रों को प्राइमरी और मॉन्टेसरी से। बच्चों को क्या सिखाया गया है जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या संदेश वो दे रहे हैं? ये संदेश देना चाहते हैं पेरेंट्स को कि हमें एकता के साथ रहना चाहिए और प्यार के भाव के साथ रहना चाहिए। हम सब एक हैं, और सारा विश्व को ठीक करना और अपने अपने साथ चलाना हमारा संदेश है। या बच्चे हम लोग यहाँ प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो लीडर्स बने, खाली भारत के नहीं पर पूरे वर्ल्ड के, बेसिकली ग्लोबल लीडर्स की हम तैयारी करवा रहे हैं, और यही पूरा माध्यम है इस मॉन्टेसरी ग्रेजुएशन का जो हम दिखा रहे हैं। बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिन बच्चों को अवार्ड मिला और जिन बच्चों को नहीं मिला, जिन बच्चों को अवार्ड नहीं मिला उनको आप क्या कहेंगे कि आगे के लिए? देखिए, जिन बच्चों को अवार्ड नहीं मिला है वो थोड़े से बच्चे हैं, उनको तो पता है उन्हें कहीं ना कहीं कोई और क्षेत्र के लिए मिल चुका है, स्पोर्ट्स का अवार्ड मिल चुका है स्पोर्ट्स डे पे, तो हर बच्चे में स्पेशल टैलेंट है जो हम चुनते हैं। हम इंश्योर करते हैं कि हर बच्चे को राय में एक ना एक अवार्ड जैसे हर साल मिले, जिससे वो और मोटिवेट होए और अच्छा करे। हर बच्चे में एक हुनर है और हर बच्चे का एक हुनर को दिया जाता है। 100% अटेंडेंस अवार्ड भी दिया जाता है, तो मतलब हर बच्चे के लिए कुछ ना कुछ रखा जाता है। कोई बच्चा पढ़ बुक्स करके किताबें बहुत पढ़ता है, तो उसके लिए एडिटेड अवार्ड है। कोई बहुत अच्छा डांस में है, तो हमने उसके लिए भी अवार्ड रखा हुआ है। इस निबल फिंगर्स के अवार्ड भी दिया हुआ है, पर बहुत सारे अवार्ड्स हैं, और मुझे लगता है कोई बच्चा छूटा नहीं है आज के दिन। देश का भविष्य है, और उनके अंदर ये ताकत है कि वो देश और समाज को बदल सकते हैं। तो अगर अच्छे बच्चे, अच्छे नागरिक हमें बनाने हैं, तो बच्चों को इसी जगह से हमें पकड़ना होगा, और उनको वो सब चीज़ें भी सिखानी होंगी जो हम चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिक इस देश के लिए कंट्रीब्यूट करे। स्कूल भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, बच्चे भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, बच्चे भी उतने ही ब्राइट हैं जो किसी के भी हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर सभी स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।